वरिष्ठ पत्रकार और भाजपा नेता प्रभात झा का आज सुबह गुरुग्राम में निधन हो गया। वे पिछले एक महीने से अस्पताल में भर्ती थे। कल उनका अंतिम संस्कार बिहार के उनके गृह ग्राम कोरियाही में किया जाएगा। राज्यसभा के पूर्व सदस्य और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा का शुक्रवार सुबह गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे। प्रभात झा के परिवार में उनकी पत्नी और दो बेटे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक पत्रकार के रूप में अपना करियर शुरू करने वाले झा 1994 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और 2010 में पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष बने। झा 2008 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने गए और 2020 तक उच्च सदन में रहे। उन्होंने 2015 में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में भी काम। झा का अंतिम संस्कार शनिवार को बिहार में उनके पैतृक गाँव कोरियाई में किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित तमाम नेताओं ने झा के निधन पर दुख व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भाजपा के प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद माननीय प्रभात झा जी का देवलोक गमन हुआ है। अत्यंत दुखद समाचार है। मेरा उनसे बहुत लंबे समय से रिश्ता रहा है। एक बहुत आदर्श जीवन उन्होंने जिया है। संगठन के अलग अलग दायित्व का निर्वहन करते करते पत्रकारिता के क्षेत्र से अपनी यात्रा प्रारंभ करने वाले हमारे अद्वितीय भाजपा के सच्चे सेवक, उनका दुखद निधन होना ये हम सब के लिए, खासकर भाजपा मध्यप्रदेश परिवार के लिए बहुत कष्टकारी है। मेरी अपनी ओर से बाबा महाकाल से कामना करता हूँ, वो अपने चरणों में उनको स्थान दे। ओम शांति। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।